पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल आज हो रहा खत्म। 24 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने संभाला था कार्यभार। सभी शक्तियां और रिकॉर्ड सौंपना होगा विभाग को वापस। हरियाणा में आज सरपंचों की चौधर खत्म हो जाएगी। जी हां, छोटी पंचायत यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। अब पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी सभी शक्तियां और रिकॉर्ड जल्द ही विभाग को वापस सौंपने होंगे। आपको बता दें कि लगभग 5 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने कार्यभार संभाला था और आज उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके लिए हरियाणा में सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को पदमुक्त करने के आदेश जारी हो चुके हैं। 24 फरवरी से इन पंचायती राज संस्थाओं की बागडोर जिला प्रशासन के हाथ में आ जाएगी। इसके लिए बकायदा सरपंच और पंच के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के BDPO, पंचायत समिति के लिए SDM और जिला परिषद के लिए CO जिला परिषद को प्रशासनिक नियुक्त किया गया है, जो कि आगामी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कामकाज संभालेंगे। जी, सभी सरपंचेस ने मिलकर के जो 5 साल के अंदर विकास कार्य किया वह बड़ा ही अभूतपूर्व था। भविष्य में जनता अगर सेवा करने का मौका देगी तो इनमें से सभी सरपंचेस अपनी अपनी सेवाएं जनता के लिए न्यौछावर करेंगे। इसके अंदर अगर मैं अपने कार्यकाल की बात करूं तो वो कार्य किए जो शायद जनता की डिमांड थी। फिलहाल सरकार की ओर से इसके लिए अभी चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि इन पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बेशक 23 फरवरी को समाप्त हो रहा हो, लेकिन इन संस्थाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासकों की देखरेख में सभी काम चलते रहेंगे। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य रहेगी। आज हरियाणा सरकार द्वारा जो निर्धारित समय था पंचायतों का, वो पूरा हो चुका है। और जो समय पंचायतों ने 5 वर्ष में जो काम किए, सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, सरकार ने दिल खोल के पंचायतों को बहुत अनुदान राशि दी, ग्रांटें दी, जिससे गाँव के अंदर सरपंच पूर्णतः अच्छे काम करवा पाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का एक सपना था कि पढ़ी लिखी पंचायतें लेकर आए, पढ़ी अच्छी पंचायतें लाने के, वो ये रहा कि गांव आज शहर से अच्छे हैं। वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।